हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोटो के G5 प्लस फ़ोन को आप किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं और साथ के साथ आपको बताऊंगा कि आप इस फ़ोन को किस तरह से हार्ड रीसेट कर सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मोटो का G5 प्लस फ़ोन और ये पैटर्न लॉक हो गया है और आज मैं आपको इसको के पैटर्न लॉक को अनलॉक करके दिखाऊँगा कि आप इसके पैटर्न लॉक को किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं और साथ के साथ बताऊंगा कि आप इस फ़ोन को किस तरह से हार्ड रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन की पावर की को लो में प्रेस करके और ऑफ कर देना फ़ोन को। जब तक ऑफ होता है तब तक मैं आपको बता देता हूं कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको पावर की और वॉल्यूम डाउन की को इकट्ठा लॉन्ग प्रेस करना है। तो चलिए फिर करते हैं। जैसे ये मैंने कर दिया, इसके बाद कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। उसके बाद क्या करना है कि आपको वॉल्यूम अप की से या फिर डाउन की से आपको एक रिकवरी मोड नाम का एक ऑप्शन है इसके अंदर, वो उसको लेके आना है। तो चलिए फिर करते हैं। इसके बाद क्या करना है कि आपको एक बार पावर की को लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद आपको मोटो का लोगो दिखाई देगा और उस लोगो को बाद आपको एक एंड्रॉयड आइकन के साथ नो कमांड का ऑप्शन आएगा। जैसे ये आ गया है एंड्रॉयड आइकन के साथ नो कमांड। उसके बाद क्या करना है कि आपको फिर से पावर की को लॉन्ग प्रेस करना है और एक बार आपको वॉल्यूम अप या डाउन की को एक बार प्रेस करके छोड़ देने। जैसे मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया और एक बार इसको प्रेस करने के बाद इसको छोड़ दिया। तो कुछ इस तरह से आपको फिर ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे रिबूट सिस्टम, रिबूट टू बूट, लेडर, वाइप डाटा, कैप्चर मूवमेंट, पावर ऑफ। इसके बाद आपको वॉल्यूम अप की से या फिर डाउन की से आपको इसके अंदर एक वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। उस पर ले जाने के बाद आपको पावर की को एक बार प्रेस करना है और उसके बाद आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे नो यूजर डाटा ओनली, यूजर डाटा प्लस पर्सनल। पर्सनल डाटा के अंदर आपको पूरा फ़ोन हार्ड रीसेट होगा, यूजर डाटा के अंदर आपका फ़ोन अनलॉक होगा जैसे पैटर्न लॉक है, और नो के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यूजर डाटा ओनली पे लेके आने के बाद एक बार फिर से पावर की को दबा देते हैं। तो उसके बाद आपको फिर से ये पहले जैसा ही आइकन आ जाएगा, जैसे रिबूट सिस्टम ना हुआ है डाटा, तो आपको रिबूट सिस्टम ना करना है। तो चलिए कर देते हैं। ये लीजिए, ये फ़ोन अनलॉक हो गया, अभी फिलहाल स्टार्ट होगा। जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब आपको मैं बता देता हूँ कि आपको मेरा चैनल किस तरह से सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बता देता हूँ कि आपको मेरा चैनल किस तरह से सब्सक्राइब करना है। जैसे आप ये वीडियो प्ले कर रहे होंगे यहाँ पे, और आपको वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब बटन दिखेगा, तो आपको जस्ट इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, जैसे एक मैंने कर दिया है, और उसके बाद ये नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है अगर आप चाहते हो कि सभी चैनल के मेरे पास नोटिफिकेशन आए। जैसे इस पे क्लिक कीजिए और सेव कर दीजिए, और ये होता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको इसके लिए क्लिक के लिए यानी सब्सक्राइब के लिए कोई पैसा पे नहीं करना है। बस आपको जस्ट एक क्लिक करना है और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा यानी उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। बस सब्सक्राइब का मतलब यही होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मेरा चैनल किस तरह से सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर, ये मोटो का G5 प्लस फ़ोन स्टार्ट हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। मोटो
आ गया, इसके बाद कर रहे हैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, गेट स्टार्ट और बिग स्किप कर देते हैं, सेट नाउ। फिलहाल ये कहेगा कि आपको इसके अंदर एक गूगल अकाउंट लॉगिन करना होगा, जो आपका गूगल अकाउंट होगा वो आप इसके अंदर लॉगिन कर सकते हो। आप कोई भी लॉगिन कर सकते हो, ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसके अंदर जो पहले अकाउंट लॉगिन था वही करना पड़ेगा। ये फिलहाल इसके अंदर नेटवर्क सेट कर रहा है, क्योंकि अभी अभी फ़ोन ऑन हुआ है तो नेटवर्क सर्चिंग में टाइम लगेगा। जैसे ये बोल रहा है कि मैं फिलहाल एक इसके अंदर मेरा अकाउंट है वो डाल देता हूँ, जी मैंने डाल दिया चेकिंग, ऐसा इसको आपको यस कर देना। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद कह रहे हैं कि फिंगरप्रिंट अभी तो नहीं ऐड करना, अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये लीजिए, ये फ़ोन अनलॉक हो गया। जैसे ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।